सर जैसे आप डेवलपमेंट uh, के हवाले से बात कर रहे थे तो uh, अपने जितने दोस्त हैं इनको सिर्फ एक चीज़ छोटी सी इनकी लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा कि अब तक स्मार्ट सिटी के टोटल ऑल टुगेदर चार ब्लॉक्स जो हमने अनाउंस किए हुए हैं उसके अंदर हमारे कोई 49 सेक्टर बनते हैं किसी बंदे को आईडिया है कि 49 में से कितने डिलीवर हो चुके हैं 49 के अंदर से हमारे 38 एट एंड हाफ सेक्टर डिलीवर हो चुके हैं और मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हमारे साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं देखिए रियल स्टेट के अंदर हर बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रहा है अपनी अपनी विलिंगनेस के हिसाब से काम कर रहा है मे बी अपने विजन के हिसाब से काम कर रहा हो और हर बंदा अपने हिसाब से काम कर रहा है लेकिन हमें शुरू से जो विजन दिया गया है वो दो विजन्स थे Uh, और जिसके ऊपर हम सब बड़ी सख्ती से बंद हैं सबसे पहला विजन था कि हमने कभी भी ओवर सेलिंग नहीं करनी सेकेंडली हमने जो डिलीवरी है वो टाइम पर या टाइम से पहले देनी है अब मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल दूं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हमारे साथ कंपैरिजन में जाते हैं uh, एक प्रोजेक्ट हैं उनके तकरीबन अब तक 40 के करीब सेक्टर्स uh, वो सेल हो चुके हैं जिनके नाम दिए हुए हैं बैलट हो चुके हैं पाँच सालों में डिलीवरी कितनी है टू एंड हाफ सेक्टर्स और उनका जो एक पूरा ब्लॉक है हमारा जो आपने चक्री रोड पे क्रॉस जिसमें हमारे लेबर कैंप बने हुए हैं जिसमें हमारी टेम्प्रेरी फैसिलिटीज़ वर्कशॉप और इस तरह की चीज़ें बनी हैं वो पूरा ब्लॉक उससे भी छोटा है तो इससे आप अंदाज़ा सिर्फ लगाएं कि कितनी मैसिव डेवलपमेंट हो रही है मैं आज आप सब लोगों को बताता चलूँ कि जब कोविड आया था आप सब इधर मौजूद थे तो अल्हमदिल्ला हम लोगों ने रियल स्टेट के अंदर एक ट्रेंड सेट किया था हम ऐसी प्रोडक्ट लेके आए ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए जिससे ना सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ा आप लोगों का रोज़गार आगे बढ़ा लेकिन उसी सेम एज़ इट इज़ इवन के वर्ड्स भी कॉपी थे मुख्तलि प्रोजेक्ट्स ने उसको लॉन्च किया और एक दोबारा से रियल स्टेट के अंदर आ, काम होना शुरू हो गया आपका ये जो टन्योर है मैं इसको कहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी का कोविड चल रहा है बेसिकली अगर देखा जाए तो जो आ, कुछ पॉलिसीज़ हैं कुछ इनस्टेबिलिटी है उससे आ, जो रियल स्टेट है एक्स्ट्रा स्ट्राक हुआ हुआ है अच्छा उसकी रीज़न क्या है उसकी रीज़न ये है कि देखें पूरी दुनिया में जो रियल स्टेट है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग्स जो इंसान एक सेविंग करता है या उसका जो स्पेयर मनी होता है उससे इन्वेस्टमेंट जो है रियल स्टेट में की जाती है अगर पूरी दुनिया में ट्रेंड देख लिया जाए तो जो सेविंग्स हैं उसमें से पूरी दुनिया में जो रियल स्टेट के अंदर पैसा जाता है सेविंग्स में वो अराउंड टेन टू ट्वेल्व परसेंट होता है बाकी पैसा वो स्टॉक्स में लगाते हैं वो शेयर्स के अंदर लगाते हैं मुख्तलिफ उनकी प्रोडक्ट्स हैं मुख्तु कंपनी की चीज़ें हैं उनके अंदर लगाते हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो रेशो है इट इज़ अराउंड सिक्सटी टू परसेंट यानी कि आप ये देख लें कि पाकिस्तान में जितने भी लोग सेविंग करते हैं उनमें से सिक्सटी लोग जो हैं वो रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं पिछले एक डेढ़ साल में क्योंकि डॉलर की इंस्टेबिलिटी रही डॉलर की प्राइसेस अब जाती रही तो पाकिस्तान में यहाँ तो लोग रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू हो गए वहाँ से उन्होंने चीज़ें निकाली तो वो डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दी लेकिन देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने मुश्किल वक्त के अंदर जो होता है उसके अंदर जो अपरचुनिटी होती है आपने उसको ग्रैब करना था कि उस अपॉरचुनिटी को कैसे ग्रैब करें पर मेरे ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इज़ इवन कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें रीज़न इज़ कि अगर वो जो भी चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं उसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर उनकी करेंसी आज से साल पहले हंड्रेड रुपीज़ में थे और वो यहाँ कोई प्लॉट लेना चाह रहे थे वो दस लाख रुपए का बनता था अब उनकी करेंसी अगर टू हंड्रेड गई है तो वही प्लाट उनको पाँच लाख रुपये में मिल रहा है और मेरे ख़्याल से कि जिस तरफ अभी क्योंकि एज अ नेशन वी आर मूविंग टू इलेक्शन तो जो ही इलेक्शन की तरफ जाएंगे हमारे ऊपर इससे पहले जो था एक डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बना हुआ था लेकिन अभी आपको पता है कि सऊदी अरब जो है उसने भी कोई अराउंड ट्वेंटी फोर बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो लेके आ रहा है कतर यू तो एक इकनॉमिक एक एक्टिविटी इनशाला अगले चार पाँच महीनों में आपको नज़र आना शुरू होगी एंड वी आर होपफुल कि जितने भी हालात हैं वो इस बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे मुल्क जो हालात हैं और मैं पर्सनली बिलीव करता हूं और शायद सारे लोग ये इस पर जो रियल स्टेट के अंदर बड़े फोकस्ड हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं कि हमेशा रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट स्लम टाइम के ऊपर ही की जाती है उसके डाउन टाउन के अंदर ही की जाती है क्योंकि जो हाई टाइम होता है उसके अंदर आपको हाई प्राइसेस देनी होती है तो आज की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है चाहे वो आप न्यू प्रोडक्ट लेते हैं चाहे आप रीसेल के अंदर जो प्रोडक्ट है उसको लेते हैं तो वो जो इन्वेस्टमेंट होगी वो शह आने वाला जो टाइम है अगले छः आठ महीनों के अंदर वो आपको बड़े हाई प्रॉफिट्स इनशाला तला दे के जाएगी मैं जो हमारी कंस्ट्रक्शन टीम है स्पेशली मलिक साहब का मैं हमेशा से इसलिए शुक्रगुजार रहता हूँ कि मुझे और हमारी जो सेल्स की टीम है आज तक कभी किसी को डेवलपमेंट के हवाले से किसी झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ा यहाँ जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं डेवलपमेंट की ये वो चीज़ें हैं जो हम अगर कह रहे हैं तो कोई बंदा उसको आके विटनेस कर सकता है उसको वेरीफाई कर सकता है इवन के आ, मैं आ, परसों की बात है रिजवान चीमा से आ, बात कर रहा था मैंने कहा वीडियोस वगैरह के हवाले से तो कह रहा है कि मेरा पूरा दिन लग जाता है क्योंकि जब वो यहाँ साइट पे इंटर होना है हर चीज को लेके जाना है तो कह रहे हैं कि पूरा आठ नौ घंटे का एक रोज़ एक नई चीज़ आती है उसको कवर करना नई चीज़ें और बहुत सारी चीज़ों को देख देख भी नहीं पाते तो टारगेट रख के चलना पड़ता है तो माशाल्लाह इतना मैसिव जो है इसके अंदर काम हुआ हुआ है अभी हमारी जो बड़ी 18 लेन की बुले है उसके ऊपर बड़ी स्पीड से काम जा रही है ओवर सेंट्रल के ऊपर बड़ी स्पीड से काम हमारा चल रहा है तो इस तरह मुस्तली जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हम पूरी दिलो जान से काम कर रहे हैं रेस्ट अशोर्ड के कोविड के अंदर भी डेवलपमेंट की जो स्पीड थी उसके अंदर कोई कमी नहीं आई थी बल्कि हमने उसको अपनी ऑनर इक्विटी से उसके ऊपर इन्वेस्ट करके हमने उसको डबल स्पीड में कंप्लीट किया था और ये आप सब लोग जानते हैं और अभी भी इन हालात में भी हम लोग अपनी मशीनों से अपनी वर्क फोर्स से उतनी ही स्पीड में काम कर रहे हैं जितनी पहले हम काम कर रहे थे हमारी डेवलपमेंट के अंदर कोई कमी नहीं है हालांकि अच्छे चैलेंजेस हैं पिछले एक साल से रियल स्टेट चैलेंजेस देख रहे हैं लेकिन अब क्योंकि एक उम्मीद की नई किरण जागना शुरू हो गई भी है लोगों का दोबारा रुझान जो है वो रियल स्टेट की तरफ जाना शुरू हो गया है इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो आस्ता आस्ता बहाल होना शुरू हो गया है, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अगले चार पाँच महीनों के अंदर हम बहुत अच्छी स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे थैंक यू वेरी मच